नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हो कि भाई कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे और बड़े मजे करते हुए, यानी सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और कितना जबरदस्त लुक, मतलब व्यूज आपको देखने को। आपने हर बार मुझे वॉलपेपर के साथ में या किसी बहुत अच्छी मतलब बैकग्राउंड के साथ देखा, और आज देखो, पहले एक बार देख लो मैं कहाँ खड़ा हूँ, पूरे खुले आसमान के नीचे और एकदम खुला खुला, इतनी बड़ी यहाँ पे छत मिल रही है। और क्योंकि आज आपका भाई आपकी ऑन डिमांड पे बहुत ही बड़ा, लगभग 110 गज के कवर्ड एरिया में छत देखो, जिसकी छत इतनी भयंकर और इतनी आलिशान है, वो सोच सकते हैं आप घर कितना अच्छा होने वाला है। और आपकी हमेशा डिमांड रहती थी कि आपको रूफ राइट के साथ, लिफ्ट की फैसिलिटी के साथ, कार की फैसिलिटी के पास और रोड के बिल्कुल नजदीक, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से कहीं दूर आपको ना मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा, यहाँ से बिल्कुल पास में, और कहाँ सारी चीजें ध्यान से समझनी है, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं, हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, उसके बाद लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और इसके साथ में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना इतना शानदार, इतने प्यारी प्यारी छत वाला और इतने अच्छे अच्छे जो फ्लैट लेके आता हूँ उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिल पाएगी। स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू मोटा मोटा आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी कवर्ड एरिया 110 से 15 गज का आपको मिल रहा है, एक आलिशान रूफ राइट के साथ, और रूफ नीचे आप छत देखिए, कोई सीमेंटेड नहीं है, अच्छी सी यहाँ पे आप देखेंगे चिप्स वाले टाइले लगा के दे रखी है, कितना शानदार आपको नजारा पूरा यहाँ से दिख रहा है। साथ में आप देखोगे कि IGL का जो गैस पाइपलाइन है वो पूरा आपके इस एरिया में आ रखा है। इस छत में आप देखोगे कहीं भी आपको वाटर टैंक नहीं दिखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट सा माउंटेन निकाल के दे रखा है, पूरा आपको जो टैंक का एरिया है वो ऊपर चला जाता है और पूरी खुली छत हमें मिल रही है। अब एक और इसकी USP आप देखोगे, यहाँ पे हमने आपके लिए एक छोटा सा वॉशरूम वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको जो भी अपना सामान रखना होगा, एक स्टोर रूम टाइप रख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक वॉशरूम सेपरेट आपके लिए छत पे बना रखा है, पार्टी वार्टी छत पे 100 से 150 पार्किंग भी है, नीचे पार्किंग भी है, वहां पे भी आप पूरी चीजें ये लगा सकते हैं। तो ये पूरा छत का व्यू था, आप चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सुहाने मौसम में छत से उतरने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अभी चाय पकौड़े खा के निकले थे हम यहाँ से, पूरा जैसे ही नीचे उतरना हो आप देखेंगे SS फिनिश में आपको यहाँ ग्रिलिंग प्रॉपर अच्छा काम मिलके आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपके बिल्कुल घर के सामने लिफ्ट का सेक्शन है पूरा, आप देखिए लिफ्ट का एरिया भी काफी स्मार्ट, मजबूती का ध्यान रखते हुए आपके लिए एक ही गेट मिल जाता है मेटल का, जाली वाली लगा के, और ये वुडन डोर आ जाता है, उसकी क्वालिटी आप देखोगे बड़ी जानदार है, हैंडल बड़ा शानदार है। अब अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी ये हुई और एक सिक्योरिटी आपको इंटरकॉम की मिल जाती है, यानी जो भी आपके घर में घुसेगा पहले आपको कॉल करेगा। और अब अंदर वॉलपेपर देखिए, इतना स्मार्ट, बिल्कुल डिफरेंट कलर का वॉलपेपर आपको बहुत अच्छा गेटअप बनाता है आपके लिविंग एरिया की। यहाँ पे आपको स्प्लिट AC का प्रोविजन, सारी पाइपिंग वगैरह का काम आपके भाई ने पहले ही करा के दे रखा है, फॉल सीलिंग, वाह वाह, राजमहल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि फॉल सीलिंग इतनी जबरदस्त है, तो ब्रांडेड फैन है। और ये देखिए झूमर, मेहमान आने वाले हैं ना, आपको 100% बोलने वाले हैं यार इतना जबरदस्त घर कहाँ से लिया है, तब आपने भाई की तारीफ करनी है कि शिवाओं से लिया है। यहाँ पे आपको TV पैनल थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिया हुआ है, अच्छी सी शेल्फिंग करके दे रही है, आप अपना जितने भी बड़े साइज का TV है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और नीचे आप देखोगे विट्रीफाइड टाइल, आप बोलते थे वुडन फिनिश में, आपको यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल मिल रही है अच्छी ब्रांडेड कंपनी की, तो ये मिल जाता है, काफी बड़ा स्पेस निकल के हमें यहाँ मिल रहा है। और सामने हमारी L टाइप का क्या जबरदस्त किचन है, साइज देखिए, स्पेस देखिए, 115 गज का कवर्ड एरिया है, तो हर चीज आपको यहाँ खुली खुली मिलने वाली है। अब समझ लेते हैं, ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चिमनी मिल जाती है आपके भाई के द्वारा, कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत स्मार्ट लग रहा है लाइटिंग के साथ में। यहाँ पे टाइल देखिए, हाईलाइटर कितना बड़ा इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है ऊपर, और यहाँ पे आपका फ्रिज का सेक्शन आ जाता है, जितने भी बड़े साइज का आपका फ्रिज है वो आप यहाँ प्लेस कर देंगे।
साथ में आपको सिंक की फैसिलिटी, पार्टीशन एक डिवाइडर दे रखा है कि पानी जो है वो बाहर ना गिरे। तो लिविंग एरिया के साथ में बिल्कुल किचन। हर बार की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई भी भाई या माता बहने जिनका अपना कोई भी उत्तम नगर के इस रेडियस में कोई भी पुराना घर है, कोई भी प्लॉट है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं और अच्छे दाम में सेल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, आपको सबसे बेस्ट रेट मिलने वाला है। चलते हैं अपने लिविंग एरिया से, अब पहले बेडरूम में चलते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का वॉलपेपर एकदम नए किस्म का, नए डिजाइन का, बहुत अच्छा टेक्सचर फिनिश यहाँ पे आपको मिल रहा है। मैं फील कर रहा हूँ जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा। और सामने स्लाइडिंग वार्डरोब बहुत बड़ी, और कितना अच्छा कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखेंगे, बहुत काफी स्पेस भी आपको मिल जाता है। सामने यहाँ पे आपको आप देखेंगे यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम, क्या टाइलें दे रखी हैं, कितना प्यारा सा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा आपको यहाँ पे देखेंगे। ये आपको वॉश बेसिन के साथ में वैनिटी बना के दे रखी है। यहाँ पे आपका छोटा सा स्लीक सा एक टीवी पैनल आ गया, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, और यहाँ वेंटिलेशन वो भी आपको जबरदस्त मिल रही है। तो ये हमारा पहला बेडरूम, पहले बेडरूम से जब मैं बाहर आता हूँ अपने सेकंड बेडरूम, बिल्कुल किचन के साथ में आप देखोगे ये हमारा सेकंड बेडरूम। और साइज देखो भाई साहब बेडरूम का, कितना बड़ा बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है। और नीचे आप देखोगे पत्थर के फिनिश के आपको यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल मिलती है, मैलकोर है, यानी कि आप गंदगी बस बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगी। कितना अच्छा आप देखोगे फॉल सीलिंग का डिजाइन, इस बार आपको बहुत अच्छा वॉलपेपर का काम यहाँ करके दे रखा है। और लाइटिंग और सीलिंग का जो कलर है आप देखते हैं सामने इस तरह से। यहाँ पे भी आपको एक विशाल वार्डरोब मिल जाएगी, कलर फिर सेम रखा हुआ है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव कलर है, ये आपको मिल जाता है। सामने वाला यहाँ पे भी आपको एक टीवी पैनल मिल जाता है, ये आपका टीवी पैनल। यहाँ पे आपका डोर आ गया और एक मेटल का डोर लगा के आपको यहाँ मिल रहा है। और साथ में आपको यहाँ मिलती है एक जबरदस्त बालकनी। मौसम आप देख सकते हो, जब बालकनी आपके पास है और मौसम इतना प्यारा हो ना तो जबरदस्त मजा आने वाला होता है। पूरी टाइलिंग का काम करके दे रखा है। अब मैं जब अपनी बालकनी से अंदर आता हूँ तो ये मेरा सेकंड बेडरूम यहाँ खत्म हो गया। अब मैं बाहर की तरफ चलाऊं, ये मेरा किचन आ गया, लिविंग एरिया आ गया, मेन एंट्रेंस आ गया, और यहाँ आप देखोगे आपको मिल जाता है एक अटैच फिर से कॉमन वॉशरूम। देखिए कितनी अच्छी टाइलिंग का काम हो रखा है। सीट देखेंगे आप, फिर से वैनिटी के साथ में आपका वॉश बेसिन, अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं। मैंने बताया ना 115 गज, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से 3 BHK निकलना, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में आपको लगभग 4 BHK तक चले जाते हैं, कमरे छोटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको कमरों का साइज बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। हर बार बोलते हो आप बड़े कमरे चाहिए, तो आ जाओ, पूरी जरूरत होने वाली है। वॉलपेपर देखिए, फिर से बहुत अच्छी फील आ रही है मुझे इसमें हाथ लगा के, जब आप आओगे आपको भी स्मार्ट लगेगा। यहाँ पे स्प्लिट एसी का प्रोविजन और 3 रूम 3 आपको यहाँ पे अलमारी मिल गई है। वॉलपेपर इतने स्मार्ट मिल गए हैं, वेंटिलेशन जबरदस्त मिल गई है, फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे भी बहुत स्मार्ट मिल जाता है। और ये मेरा तीसरा बेडरूम है, और तीसरे बेडरूम से मैं तो फिर से एक बार बाहर निकल के इतने स्मार्ट से सुंदर से झूमर के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, अपना जो वेस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन है हार्डली यहाँ से 400 या 450 मीटर होगा, मेन रोड सामने है। बाहर निकलोगे आप, आपको 100 मीटर भी टोटल नहीं मिलने वाली है, इतनी आपको गारंटी मिलती है। साथ में पार्क आपके घर के पीछे है, यहाँ आप जैसे ही उतरोगे नीचे जाओगे सामने देखोगे आपको हार्डली 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ का सबसे फेमस पार्क है जैन पार्क, सारी चीजें अच्छी मिल रही है। और बजट जब आप कॉल करोगे ना मुझे, आपका दिल खुश होने वाला, और आप उसी टाइम बुकिंग अमाउंट देके जाओगे कि मुकेश भाई ये फ्लैट तो मुझे ही चाहिए, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ मिल जाए। फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।